अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ईद के स्पेशल लंच मेन्यू में शाही दम चिकन बिरयानी और बेसन के दही बड़े। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बड़ी जल्दी बन जाते हैं। ये शाही दम बिरयानी भी बहुत टेस्टी होती है। आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 60 ml ऑयल लिया था हमने, इसमें एक मीडियम साइज प्याज हमने काट कर ब्राउन कर लिया है। आप देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये थोड़ी सी हमने इसमें ही छोड़ दी है। इसमें डालेंगे हम दो छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, दो छोटी इलायची। चलाएंगे इसको हम। इसमें डालेंगे ये अदरक छोटा सा कटा हुआ, तीन हरी मिर्च काट लिए हमने, एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, अब इसमें डालेंगे चिकन। ये चिकन हमने 350 ग्राम लिया है, चावल हमारे 250 ग्राम है। चिकन को भून लेंगे हम। चिकन को हमने भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है। ये हमने दो टमाटर डाल दिए हैं इसमें काट कर। ये इसमें मसाले जाएंगे, बिरयानी मसाला आधा चम्मच, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर। भून लेंगे इनको हम। आधा चम्मच नमक डालेंगे, चावल का नमक हम चावल में डालेंगे। ये हमने डाल दिया है नमक। अब इसमें डालेंगे हम आलू, ये इस तरीके से काटे हैं हमने, तीन आलू लिए हैं हमने छोटे साइज के। इसमें अब हम डालेंगे दही, ये हमने 50 ग्राम दही ली है, दो टेबल स्पून के बराबर। चलाएंगे इसको हम और इसको हम ढककर पकाएंगे चिकन गलने तक। पानी की ज़रूरत होगी तो पानी डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा। ये हमने चावल का 3 गुना पानी रख दिया है। इसमें डालेंगे हम ये दालचीनी के टुकड़े 2 और इसमें डालेंगे गरम मसाला। इसमें 3-4 लौंग हैं, थोड़ा सा जीरा है और 2 हरी इलायची हैं, 2 तेज पत्ता डालेंगे तोड़कर, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे, 2 चम्मच नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है हमने इसमें। अब इसको हम पकने देंगे। ये पानी पकना शुरू हो गया है। ये चावल लिए हैं हमने, भिगो कर रख दिए थे हमने 2 घंटे के लिए। ये महारानी सुपर चावल हैं, 250 ग्राम है ये। अब हम इनको पानी में से निचोड़ कर डाल देंगे। चिकन हमारा 350 ग्राम है। हमेशा चिकन या मटन कुछ भी डाल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है दिल्ली वालों को तो खास कर। ये चावल हमने सारे डाल दिए हैं, अब हम इनको पकने देंगे। पूरा पकाएंगे हम इन्हें 100%, और जब ये पूरे गल जाएंगे तो हम जो इसमें पानी बचेगा वो छलनी में से छान लेंगे। ये चिकन और आलू हमारे गल चुका है, भून लिया है हमने इसे, और इसको हमने कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है सारा। इसका रोगन उतार लिया है हमने, ये ऊपर से डालेंगे हम। अब पहले हमने ये तह बिछा दी है, अब हम चावल की तह बिछाएंगे। चावल भी हमने पूरे कुक किए हैं और चिकन भी आलू भी। ये हमने चावल की तह बिछा दी है, अब ये इसमें ब्राउन प्याज डालेंगे हम। ऑयल डालेंगे, ये जो हमने उतारा था। हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, पुदीने के पत्ते डालेंगे और इसको शाही बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे कुछ बादाम, काजू और नारियल सूखा। इसको हमने फ्राई कर लिया है,
इतने ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, इतने बिरयानी या हमारी शाही नहीं बनेगी। ये अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। देसी घी डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच पूरा भर के। केवड़ा वाटर डालेंगे 1 चम्मच के बराबर, और इसको हम ढक्कन को लगा देंगे। ढक्कन लगने के बाद हम इसे 5 मिनट फुल आंच पर पकाएंगे और फिर चूल्हे को बंद कर देंगे। इसमें सीटी भर जाएगी, अच्छे से भाप बन जाएगी। फिर हम इसको 15-20 मिनट ऐसे ही रखा रहने देंगे। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारी बिरयानी। इसको हम चला देंगे हल्के से। ये देखिए कितनी अच्छी यमी बन के तैयार हुई है। इसको हम डिश आउट करेंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारी शाही चिकन बिरयानी। इसको हमने डिश आउट कर दिया है। इस ईद पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। अब हम बनाएंगे बेसन के दही बड़े। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है ये 3 टेबल स्पून बेसन। इसमें डालेंगे हम 1 बारीक कटी हुई प्याज छोटे साइज की, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 हरा धनिया कटा हुआ, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 2 चुटकी हल्दी डालेंगे, 1 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार करेंगे बेसन के दही बड़ों के लिए। ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। ऑयल हमने गरम करने रख दिया है। ऑयल हमारा गरम है। इसमें हमने पकौड़ी फ्राई की थी और अब हम इसमें ये बेसन के बड़े फ्राई करेंगे। पलट देंगे इनको हम। सारे एक साथ डाल दिए हमने। दूसरी साइड से भी पका लेंगे। ये दोनों तरफ से हो चुके हैं, निकाल लेंगे इनको हम। आप देख सकते हैं कितनी फूल चुकी हैं। दही में डालने के बाद भी फूलेंगे। ये 200 ग्राम दही में हमने 1 कप दूध 1 कप पानी डालकर अच्छे से फेंट लिया है इसको। आप देख सकते हैं इस तरीके की हो गई है। इसमें 1 चम्मच चीनी डाली है हमने, वो भी अच्छे से मिक्स कर लिए। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप 2 चम्मच चीनी डालें। इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच और नमक 1/4 चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला डालेंगे 2 चुटकी, मिक्स करेंगे। अब हम दही में बेसन के बड़े डाल देंगे। ये बहुत बड़े बड़े हैं और इसमें दही में डालकर फूल भी जाएंगे। हमने दही को थोड़ा पतला रखा है ताकि ये अच्छे से फूल जाए।
ये हमारे बेसन के दही बड़े तैयार हैं। इसको हमने पुदीने के पत्तों से गार्निश किया है। आप देख सकते हैं ये फूल कर कितने मोटे हो गए हैं और ये मुलायम भी बहुत हैं। आपको मैं दिखाऊंगी, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं जाली बन रही है, बिल्कुल मुलायम है ये। तो फिर बनाइए आप भी हमारे इस तरीके से। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को तो ज़रूर ज़रूर दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।